हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सरिता, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मेरी एक यूट्यूब फ्रेंड कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किए थे फ्रिज फ्री हेयर के ऊपर कोई वीडियो लेके आने के लिए। उस टाइम मैंने कोई प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए थे फ्रिज फ्री हेयर के लिए। सो रिसेंटली मुझे सन बोटानिका से रिसीव हुआ है सन बोटानिका मोरक्कन आर्गन हेयर केयर रेंज। सो आज के इस वीडियो में ये सारे प्रोडक्ट्स को एक एक करके मैं रिव्यू इसका आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जिनके भी बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हैं, जिनके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है, जिनको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिंग टूल्स, हीट टूल्स अपने बालों में यूज़ करते हैं, आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है। ब्रांड का प्रेशर है, डेडलाइन है, सो वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट मंथ फैमिली में से इन लॉज के साइड से दो फैमिली मेम्बर्स का डेथ हो गया था, सो इसी वजह से वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया। एंड इस महीना मेरा जो हेल्थ कंडीशन है, वीडियो बनाने के बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाल के मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। सो आप सभी का सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज के इस वीडियो के लिए। वैसे तो ये सारे प्रोडक्ट्स ब्रांड से मुझे रिसीव हुए हैं, बट आज जो भी रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी वो मेरा 100% ऑनेस्ट रिव्यू होगा, क्योंकि लास्ट पूरा महीना मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज़ किया है। सो जो भी रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा इन प्रोडक्ट्स के साथ। एंड दूसरी बात, अगर मैं कुछ गलत रिव्यू आप सभी के साथ आज शेयर करती हूँ तो कल को मैं खुद ही रेस्पॉन्सिबल रहूँगी, आंसरेबल रहूँगी आपके सामने, ब्रांड्स नहीं। सो जो भी रिव्यू शेयर करूँगी वो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा आप सभी के साथ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक बात, अगर आप इस शैम्पू को फ्री में ट्राई करना चाहते हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, चाहे YouTube हो या फिर Instagram, आपको कहीं पर भी इसका सर्वे लिंक मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर विजिट करना है, छोटा सा सर्वे मिलेगा उसे फिल करना है, और उसके बाद आप इस शैम्पू को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई कर सकते हैं। बस आपको शिपिंग चार्जेस जो है वो बेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सन बोटानिका का मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल से, क्योंकि ये सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। बालों को शैम्पू करना एक दिन डिले कर सकते हैं, बट बिना हेयर ऑयल के बिल्कुल कभी मत शैम्पू करिए। सो इस प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग की हम बात करें तो ऐसे बॉक्स में आता है, कार्डबोर्ड बॉक्स में, एंड इसके अंदर ये ऐसे एक बॉटल के फॉर्म में आता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। एंड इसके साथ एक कॉम्ब एप्लीकेटर भी आता है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ यूज़ करना, क्योंकि ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाता है बालों में, बहुत अच्छा लगता है। 150 ml की बॉटल की प्राइस है 699 rupees, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि आर्गन ऑयल जनरली एक्सपेंसिव आते हैं। यहाँ आर्गन ऑयल के साथ साथ काफ़ी सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी मिलाए गए हैं, एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जनरली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, हो सकता है उसी वजह से ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी। जो कूपन कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर कर दूंगी। आप अगर 499 rupees का या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का परचेज करते हैं तो आपको 33% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी आपका आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। 2 years की सेल्फ लाइफ के साथ ये प्रोडक्ट आता है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, इसमें पाराबेंस नहीं है, ना ही इसमें कोई कलर ऐड किया गया है। इसके साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, इसमें आर्गन ऑयल तो है ही, इसके साथ साथ और भी कई सारे बहुत ही अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं। स्पेशली मोरक्कन आर्गन ऑयल जो है इसमें काफ़ी सारे फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ए डी ई होती है, ये सब आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाते हैं एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसके बाद इसमें है जोजोबा ऑयल जो कि बालों को लंबा और घना बनाता है, इसमें कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है जो कि डैमेज्ड बालों को रिपेयर करते हैं, ओट्स प्रोटीन है, विटामिन ई होती है इसमें जो कि स्पेशली स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बालों को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है,
इसमें कैस्टर ऑयल है, भृंगराज है, आमला है, ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखते हैं एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है जो कि बालों में एक साइन ऐड करती है। इसमें टी ट्री ऑयल है जो कि स्कैल्प की हेल्थ को प्रमोट करती है, स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ आने से प्रोटेक्ट करती है। अभी बात करते हैं इस हेयर ऑयल के रिजल्ट के बारे में। मैंने कुछ टाइम क्या किया, डायरेक्टली जाके शैम्पू किया एंड कुछ टाइम मैंने क्या किया, इस हेयर ऑयल को अपने बालों में रात भर छोड़ के सुबह जाके शैम्पू किया। इन दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस महसूस हुआ। जितनी बार मैंने इस हेयर ऑयल को रात को यूज़ करके सुबह जाके शैम्पू किया, शैम्पू के बाद मेरे बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्दी फील हुए, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट फील हुए। तो मुझे ये जो हेयर ऑयल है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप बिना किसी डाउट के इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये हेयर ऑयल। अभी बात करते हैं इसकी शैम्पू के बारे में। शैम्पू जो है इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड रीसेंट फेवरेट में ये शैम्पू ऑलरेडी मेरा ऐड हो चुका है। स्पेशली ये फ्रिज फ्री हेयर के लिए बनाया गया है एंड पैकेजिंग की बात करें तो ऐसे ट्यूब फॉर्म में भी आता है एंड ऐसे बॉटल फॉर्म में भी आता है। दोनों ही फॉर्म में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं इसे ईजिली। प्राइस की बात करें तो 175 ml की प्रोडक्ट की प्राइस 359 rupees है एंड 2 years की सेल्फ लाइफ के साथ ये प्रोडक्ट आती है। अगेन ये प्रोडक्ट भी क्लेम करता है ये हार्श केमिकल से फ्री है, मतलब इसमें मिनरल ऑयल से ऐड नहीं किया गया है। ये पाराबेन फ्री है, सल्फर फ्री है एंड सिलिकॉन फ्री है। इसके साथ साथ इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल के साथ साथ काफ़ी सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स ऐड किए गए हैं जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इस शैम्पू में प्रेजेंट मोरक्कन आर्गन ऑयल एंड आलमंड ऑयल बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशनिंग करते हैं। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स में भरपूर विटामिन ई होती है जो कि बालों को बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देते हैं। इसमें ओट्स प्रोटीन है जो कि बालों को अंदर से पोषण देते हैं एंड बालों को स्ट्रॉन्ग एंड शाइनियर बनाते हैं। इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है जो कि हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि बालों को एंड स्कैल्प को डैंड्रफ से प्रोटेक्ट करती है एंड जोजोबा ऑयल है जो कि आपके हेयर में ऑयल बैलेंस मेंटेन रखती है। अब बात करेंगे इस शैम्पू के रिजल्ट के बारे में। ये शैम्पू जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसका रिजल्ट जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये हल्का सा रनी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर आप अपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई नहीं किया है तो इसमें से एक या दो पंप से आपका जो बाल है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बट अगर आपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई किया हुआ है तो इसमें से कम 3 से 4 पंप जरूर लगेंगे, उसके बाद ही आपके बाल जो है अच्छे से क्लीन हो पाएंगे। बट इसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। हेयर शैम्पू के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिल्की सिल्की फील होता है। अगर आपके बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हेयर है, तो इस शैम्पू को ज़रूर एक बार एक ट्राई दें, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। अब हम बात करेंगे इसके कंडीशनर के बारे में। बट इस रेंज की हेयर ऑयल एंड शैम्पू के बाद आपके बाल वैसे भी फ्रिज फ्री हो जाएंगे और कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर मेरी तरह अगर आपको भी कंडीशनर यूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस कंडीशनर को एक बार ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे इसका शैम्पू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये कंडीशनर भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत ही अच्छा लगा। सो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। शैम्पू की तरह ये कंडीशनर भी ऐसे ट्यूब फॉर्म में भी आता है एंड बॉटल में भी आता है एंड दोनों फॉर्म में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। प्राइस की अगर बात करें तो 200 ml की ट्यूब की प्राइस है 449 rupees एंड अराउंड 2 years के सेल्फ लाइफ के साथ ये प्रोडक्ट आता है। एंड ये कंडीशनर क्लेम करता है इसमें पाराबिन नहीं है एंड इसमें मिनरल ऑयल ऐड नहीं किया गया है। एंड काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं जिन्होंने अपने बालों को कलर करवाया है क्या ये उनके लिए सूटेबल है, तो ये शैम्पू एंड ये कंडीशनर दोनों ही कलर ट्रीटेड हेयर के लिए बिल्कुल सेफ है। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें इसकी तो इसमें ऑर्गेनिक मोरक्कन आर्गन ऑयल, विटामिन ई है, एवोकाडो ऑयल है, व्हीट प्रोटीन है एंड ऑलिव ऑयल है जो कि बालों में बहुत ही अच्छा शाइन ऐड करती है, ओट प्रोटीन है जो कि बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। अब बात करेंगे इस कंडीशनर के रिजल्ट के बारे में। जितनी बार भी मैंने इस कंडीशनर को यूज़ किया बाल बहुत ही अच्छा मैनेजेबल लगे मुझे, काफ़ी अच्छा मॉइस्चर मेंटेन हुआ, बाल में एक बहुत ही प्यारा शाइन ऐड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील होता है, बेबी सॉफ्ट बन जाते हैं बाल बिल्कुल भी। अगर इस कंडीशनर की कंसिस्टेंसी की हम बात करें तो ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा रनी,
ये मीडियम कंसिस्टेंसी में आता है एंड जब भी आप इस कंडीशनर को यूज़ करते हैं वॉशरूम के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा खुशबू फैल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसे यूज़ करना। एंड जब भी आप इसे यूज़ करेंगे डायरेक्टली स्कैल्प के ऊपर बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, हेयर लेंथ में यूज़ करिएगा एंड 2-3 मिनट इसे छोड़ के उसके बाद अच्छे से धुल लीजिएगा अपने बालों को। अगर कोई अच्छा कंडीशनर आप ढूंढ रहे हैं तो इस कंडीशनर को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल पसंद आने वाला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बाल जो है आपके बेबी सॉफ्ट बन जाते हैं। लास्ट एंड फाइनली हम बात करेंगे सैन बोटानिका मोरक्कन आर्गन हेयर सीरम के बारे में। ये जो सीरम है ऐसे पम पटल में आता है, सो ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल है एंड 120 ml की प्राइस है 749 rupees एंड ये 2 years की सेल्फ लाइफ के साथ आती है। ये प्रोडक्ट क्लेम करती है अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों को स्लिक एंड शाइनी बनाएगा। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें है ऑर्गेनिक मोरक्कन आर्गन ऑयल, एवोकेडो ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, सो इतने सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है ये। रिजल्ट की अगर हम इस सीरम की बात करें तो ये मेरा पहला बॉटल है एंड ये सेकेंड बॉटल है जो कि अभी तक सील्ड है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे, ये वाला मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। सो ये मेरा पहला बॉटल है एंड ये जितने सारे मैंने प्रोडक्ट्स शो किए ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं लास्ट 1 month से यूज कर रही हूँ, बट ये जो सीरम है ये लास्ट 4 month से मैं यूज कर रही हूँ एंड लास्ट 4 month से इसे कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद इसमें एक अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की एंड एक बुरी चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि इसे जब भी मैं अप्लाई करती हूँ एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ये देता है एंड जिस भी हेयर केयर प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है उससे मुझे अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सो जितनी बार भी मैं इसे यूज़ करती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बट अच्छी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली मैं लास्ट 4 month से इसे यूज कर रही हूँ एंड इसमें से बस इतना सा ही प्रोडक्ट ख़त्म हुआ है, मतलब बहुत ही कम प्रोडक्ट में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब अगर 4 महीने में कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद भी इतना सा प्रोडक्ट इसमें से ख़त्म हुआ है तो 1 साल ये आराम से चल जाएगा अगर आपका भी हेयर लेंथ मेरी इतना है। इस एंटा रेंज में बाकी सारे प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट ये जो सीरम है इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल के वजह से मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एंड ये बहुत ही कम क्वांटिटी में काफ़ी दिन चलने वाला प्रोडक्ट है, आप अगर चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। इस रेंज के हेयर मास्क के बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छा रिव्यू सुना है बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, अगर आगे चल के मैं ट्राई करूँगी तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आज जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने शो किए सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आप सैन बोटानिका के साइट के ऊपर भी विजिट करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, अमेजन एंड अदर शॉपिंग साइट के ऊपर भी ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। मैं जल्द ही मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, नमस्कार।